लड़के की शादी की क्या क्या तैयारियां कर ली? अच्छा हुआ आप आ गए, कलकत्ता से हमारे दो मित्र आए हैं, बहुत मशहूर हैं, इन्हें तो आप जानते ही होंगे, ये हैं ब्योमकेश बख्शी और ये प्रतिष्ठित लेखक अजीत बैनर्जी। इनका नाम किसने नहीं सुना। और ये हमारे मित्र नीलमणि मुजुमदार, पुलिस ऑफिसर थे, अब रिटायर्ड हुए। आइए आइए बैठिए ना। आप जरा बातचीत कीजिए, मैं अभी आता हूँ। हाँ हाँ, काम कीजिए, जरा थोड़ी सी चाय और भिजवा दीजिए। तो आप इसी शहर के रहने वाले? नहीं नहीं, रहने वाले तो हम ईस्ट बंगाल के हैं। अच्छा, अब तो सब खत्म ही हो गया है, रिटायर होने के बाद कहाँ जाएं, तो यही बस के चाहे। या आपके रिश्तेदार वगैरह होंगे ना? नहीं, मेरे रिश्तेदार कोई नहीं है, मैंने शादी भी नहीं की। अच्छा, अच्छा किया। अच्छा, तो जिंदगी भर काम ही करते रहे। ये पुलिस की नौकरी का एक अलग ही आकर्षण है। अब रिटायर हो गए तो बस यहीं बस गए। इस शहर से मेरा एक और लगाव भी है। वो क्या? जब मैं सब इंस्पेक्टर बनकर नौकरी शुरू की तो सबसे पहले पोस्टिंग भी इसी शहर में हुई थी। अच्छा, अच्छा। तो बस फिर रिटायर होने के बाद फिर यही बस गए। लगता है कि इस शहर से आपको ज्यादा प्यार हो गया है, हैं? तो आप कब रिटायर हुए, कितने साल हो गए? 7 साल। अच्छा, ब्योमकेश बाबू, आपकी रहस्य कथाएं करीबन मैंने सभी पढ़ी हैं। आपकी घटनाओं में हर जगह ही आपने समस्याओं का समाधान किया है। इसलिए जानना चाहता हूं कि कभी कोई ऐसा रहस्य था जो आप कभी सुलझा ना पाए हो या गलती कर बैठे हो? गलती कभी नहीं की, ये कहने की धृष्टता तो नहीं करूंगा। सत्यन्वेषी हूं, सत्य की खोज करने वाला। गलतियां तो काफी की है, ऐसा भी हुआ है कि अपराधी को पकड़ नहीं पाया, लेकिन सच क्या है इस बात का हमेशा पता लगा लिया। यह बात और है कि जितने केस मैंने देखे हैं उससे तो 1000 गुना ज्यादा घटनाओं से आप निपट चुके होंगे। हाँ, वो तो है ही, और मैंने सारे केस निपटाए भी हैं, सिवाय एक के, मेरी पुलिस की जिंदगी का आखिरी केस, इसी शहर का है, आज तक वो लटका हुआ केस। मतलब गुनेगार कौन है ये पता था लेकिन सबूत नहीं मिला? यही बात थी, एक शख्स पर मुझे शक था लेकिन कोई सबूत नहीं जुटा पाया, वो ठोस प्रमाण नहीं थे, फिर कोई कुछ ऐसी बात हो गई कि गड़बड़ हो गई, जिसे मैं गुनेगार समझता था उसी का खून हो गया। केस तो काफी मजेदार है। ठीक, मैं आपको केस का पूरा ब्यौरा देता हूं, देखते हैं आप गुनहगार को पकड़ पाते हैं या नहीं। अरे ये क्या कह रहे हैं आप जैसे अनुभवी पुलिस अफसर अगर इस केस को सुलझा नहीं पाए तो मैं क्या करूंगा। फिर भी अच्छा सुनाइए ना, रिटायर होने के 3 साल पहले की बात है, उस वक्त यहां पर काफी गैर कानूनी हरकतें हुआ करती थी, लेकिन मेरे आने के बाद कुछ कम हो गया। मेरी एक आदत हुआ करती थी, मैं बिना किसी को कुछ बताए साइकिल उठा रात को गश्त पर निकल पड़ता था, साथ में एक पिस्तौल और एक टॉर्च। जिस रात की मैं बात बता रहा हूं उस रात भी इसी तरह ही आधी रात को मैं गश्त लगा रहा था साइकिल पर, यकायक क्या देखता हूं कि 100 गज दूरी पर कुछ लोग लाश कंधे पर उठाए चले आ रहे। रुको, अरे सुरेश बाबू की पत्नी हेमा है। हाँ, इनके घर में कोई नहीं, सिर्फ पति और पत्नी रहते हैं। तुम लोग लाश थाने लेकर चलो और तुम तीनों मेरे साथ चलो, सुरेश को घर की तलाश लेनी है। आओ। चलो, चलो।
ये लड़की का बीमार है, किसी को कुछ मालूम? जी नहीं। इसका पति कौन है? सुरेश्वर बाबू। इस वक्त कहाँ है? काली बाबू की दुकान पे ताश खेलने गए। ये दुकान कहाँ है? गली के नुक्कड़ में। लाश पहुंचा दी? यस सर। ठीक है, तुम यही रहो, योगेश तुम ऐसा चलो। ओके सर। मैं कल सुबह फिर आऊंगा, आप लोगों को स्टेटमेंट लेना। जी सर। चलो। खोलो। कौन है? पुलिस, जल्दी दरवाजा खोलो। जी क्या चाहिए आपको? हमारा नाम काली किंकरदास है। जी। इस दुकान के मालिक तुम हो? जी हाँ। क्या चाहिए? दरवाजा अंदर कौन कौन है? मेरे दोस्त हैं। सुरेश्वर प्रसाद घोष कौन है? मैं हूं सुरेश्वर घोष, कहिए। तुम लोग आधी रात को एक लाश मरघट ले जा रहे थे, सोचा होगा एक बार जला दोगे फिर कोई फिक्र नहीं होगी। लाश? ये क्या कह रहे हैं आप? किसकी लाश? ज्यादा बर मत, मैंने तुम्हें देख लिया था। जो चार आदमी लाश ले जा रहे थे उनमें से तुम एक हो। कब की बात कर रहे हैं आप? आज की रात, आज रात 12 बजे। बिल्कुल गलत। आज रात 8:30 बजे से लेकर अब तक हम सब लोग यहाँ ताश खेल रहे हैं। एक मिनट के लिए कोई यहाँ से बाहर तक नहीं गया। अच्छा, तो ये बात है, आप सिर्फ यहाँ बैठे बैठे ताश खेल रहे थे। जुआ? जी जुआ, जुआ खेल रहे थे। हम लोग आपस में मिलकर कभी कभी जुआ खेल लेते हैं। आप लोग यूं नहीं मानोगे, मैं फिलहाल आप लोगों को जुआ खेलने का अपराध में गिरफ्तार करता हूं। चलो पुलिस स्टेशन। देखिए, ये तो आपकी सरासर ज्यादती है। पहले कहा हम लास्ट ले जा रहे थे और अब कहते हैं कि जुआ खेल रहे हैं। देखिए, ये हमारी प्राइवेट जगह है, हम किसी पार्क या सड़क पे नहीं खेल रहे। ये सब सफाई जज के सामने देना, चलो जल्दी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम सब पुलिस स्टेशन चलेंगे, लेकिन वहाँ हमें अपने वकील से मिलने की इजाज़त देना। क्या क्या है कि हम अपनी अपनी जमानत देंगे? क्यों? यस। इसका फैसला अदालत करेगी, चलो उठो। सुनिए तो सही, आप किसी लाश की बात कर रहे थे, वो लाश थी किसकी? तुम्हारी पत्नी की। क्या? मेरी पत्नी? क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी पत्नी का खून हो गया है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे मुझे आपकी बात पर यकीन नहीं हो रहा है। हेमा, हेमा मेरी पत्नी, मैं घर जाऊंगा। मैं घर जाऊंगा। अरे घर जाने का कोई फायदा नहीं है, लाश अस्पताल पहुंचा दी गई है, ले चलो इन्हें। बैठो। क्या काम करते हो? मेरे कई बिजनेस हैं, जैसे होलसेल बिजनेस। कितना कमाते हो? यही कोई 50-60 हज़ार रुपए। मकान तुम्हारा? जी। कब बनाया? बनाया नहीं, खरीदा 5-6 साल पहले, पूरे 20,000 में खरीदा। ने रुपए की बात मत करो, जितना पूछा जाए उसी का जवाब दो। शादी कब की? 7 साल हो गए। ससुराल कहाँ है? इसी शहर में। ससुर का नाम क्या है? नील मणि हालदार। वो कहाँ है?
कहाँ है? जेल में होगा। जेल में? जी, अक्सर जेल में रहता है। ससुर के साथ संबंध अच्छे हैं? मैं उसकी सूरत तक देखना नहीं चाहता। पत्नी के साथ संबंध अच्छे थे? शादी के 7 साल बाद जैसे संबंध होने चाहिए वैसे ही थे। बाल बच्चे हैं? हेमा बांझ थी। आज रात 12 बजे तुम और तुम्हारे दोस्त तुम्हारी पत्नी की लाश ले जा रहे थे। मैंने टॉर्च की रोशनी में देखा था तुम्हें। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई सर। रात को 12 बजे मैं और मेरे दोस्त काली किंकर के यहां बैठकर ताश खेल रहे थे। ताश? खैर, तुम्हारी पत्नी का चाल चलन कैसा था? औरतों के चाल चलन के बारे में कौन क्या कह सकता है सर। पड़ोस में वो वैसे ही बदनाम थी। कैसी बदनामी? देखिए, रात को मैं देर से घर आता हूं और पिछले कुछ एक महीनों से हेमा से कोई मिलने आता था। आपने पत्नी से इस बारे में कभी पूछताछ की? की, लेकिन उसने जितने जवाब दिए सब झूठ था। और कुछ? और कुछ क्या? देखिए, एक दिन मैंने हेमा के अलमारी में कुछ गहने देखे जो मैंने उसे नहीं दिए थे। गहने कहां से आए? आपने अपनी पत्नी से पूछा? पूछना क्या है सरकार, औरत एक बार बिगड़ने की ठान ले तो उसे कोई नहीं रोक सकता। पूछा नहीं जा सकता, लेकिन खून किया जा सकता। मैंने किसी का खून नहीं किया। तो किससे करवाया? मैं क्यों करवाने चला? इसलिए कि तुम्हें मालूम था कि तुम्हारी पत्नी बदचलन थी। लेकिन इससे ये कहीं साबित नहीं होता कि मैंने उसका खून किया है या खून करवाया है। तुम्हारी पत्नी गुजर गई है, इससे क्या तुम खुश हो? खुश तो नहीं हूं, लेकिन मुझे अफसोस भी नहीं है, क्योंकि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ठीक है, तुम जाओ, काली किंकर को भेजो। नमस्ते जी। सुरेश्वर को कब से पहचानते हो? वो बचपन का दोस्त है, करीब 30 साल से। उससे पहचान कैसे हुई? एक ही स्कूल में पढ़ते थे, तभी से दोस्ती हुई। तुम्हारी दुकान में ये ताश कब से खेली जा रही है? करीब 15 साल से। रोज रात को खेलते हो? नहीं, शुरू शुरू में तो शनिवार और इतवार को खेलते थे या फिर छुट्टी के दिन, लेकिन वो 5-6 साल से करीब रोज खेल रहे हैं। सुरेश्वर हमेशा तुम्हारे साथ खेलता ताशवा? नहीं, पहले उसका धंधा अच्छा नहीं चलता था, तब नहीं आता था। लड़ाई के दिनों में उसने बहुत पैसा कमाया, फिर उसका धंधा भी चल गया, अब तो बहुत ही अच्छा है, इसलिए तफरी के लिए कभी कभी आ जाया करता है। उसकी पत्नी को जानते थे? जानूंगा क्यों नहीं, मैं तो शादी में भी गया था। शादी के वक्त सुरेश्वर एक तरह से गरीब ही था। मैंने और उसके दोस्तों ने उसे बहुत मना किया कि वो ये शादी ना करे, लेकिन सुरेश्वर नहीं माना, हमेशा से ही जिद्दी है। तुमने सुरेश्वर को शादी करने से मना क्यों किया? हेमा के परिवार को मैं जानता था, उसके माँ बाप दोनों खराब थे, इसी शहर के तो हैं। उसके बाप का कोई खास धंधा नहीं था, ऊपर से बेवकूफ था, थोड़ा रुपया मिलने पर ही जुए और शराब में उड़ा देता था और फिर चोरी करता था। कई बार पकड़ा भी गया, जेल भी गया। ऊपर से हेमा की मां भी बदनाम थी, बस्ती में रहने से अच्छे घरों की लड़कियां भी खराब हो जाती हैं। हेमा का बाप जब जेल में था तब सुना है रात देर तक उसकी मां अपने यार दोस्तों से हंसी मजाक किया करती थी, इसलिए हमने सुरेश्वर से कहा कि वह शादी ना करे, लेकिन वो नहीं माना। तब वो गरीब था, उसने सोचा बस्ती की लड़की ही उसके लिए ठीक रहेगी। सुरेश्वर और उसकी पत्नी के आपसी संबंध अच्छे नहीं थे, तुम्हें मालूम है? मालूम है, लड़ाई के बाजार में सुरेश्वर ने रुपया कमाया, इज्जत कमाई, अपना धंधा जमाया, घर खरीदा। जैसे जैसे उसकी हालत अच्छी होने लगी, पत्नी के साथ उसके तनाव बढ़ गए, तो
तब उसे ऐसा लगा कि उसे ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। घर से बाहर रहने लगा। हमारे यहां रात भर ताश खेलने की उसकी यही वजह है। और इसी तनाव की वजह से अपनी पत्नी से तंग आकर सुरेश्वर ने उसका खून कर दिया। जी नहीं, मैं ये बात बिल्कुल नहीं मान सकता। सुरेश्वर वैसा आदमी है ही नहीं। उसने जिंदगी के शुरू में काफी दुख झेले हैं, लेकिन उसका मन बहुत उदार है, उसमें काफी सहन शक्ति है। वो खुद सब कुछ झेल लेगा, किसी और को दुख नहीं पहुंचाएगा। लेकिन कल रात सुरेश्वर अपने 3 साथियों के साथ एक लाश रात 12 बजे ले जाता नजर आया है। बिल्कुल नहीं, 7, 7:30 से करीब 12:30 तक वो तो हमारी दुकान में ही था, जैसा कि खुद आपने आकर देखा। सुरेश्वर का ससुर आजकल कहाँ है? कुछ कह नहीं सकता। करीब 2 साल पहले जेल से छूटकर यहां आया था। हेमा की माँ तब गुजर चुकी थी। अपनी लड़की और दामाद के साथ कुछ दिन रहा। एक दिन सुरेश्वर के साथ पता नहीं किसी बात पर उसका झगड़ा हो गया, तब से वो यहां से चला गया। क्या मालूम, उम्र हो चुकी थी, जेल जा जाकर शरीर टूट चुका था, हो सकता है गुजर गया हो। ठीक है, तुम जाओ, देवू मंडल को भेजो। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। तुम्हारे कोयले और लकड़ी के शहर में टाल हैं। ये टाल तुम्हारे बाप के जमाने से हैं। तुम हर रात रोज जुआ खेलने क्यों जाते हो? सुरेश्वर, काली किंकर और मैं बचपन से दोस्त हैं। सुख दुख में हमेशा साथ में रहे। थोड़ा मन बहलाने और गपशप मारने हम रोज मिलते हैं। ताश खेलने का तो एक बहाना है सर। बकवास बंद करो। सुरेश्वर ने अपनी पत्नी का खून किया है, इसमें तुम्हारी और तुम्हारे ताश के अड्डे के दूसरे साथियों की साजिश है। रात के अंधेरे में तुम उसे जला देना चाहते थे, लेकिन पकड़े गए। कहां पकड़े गए सर, किसने हमें पकड़ा? सुरेश्वर ने जब अपनी पत्नी का खून ही नहीं किया तो उसकी लाश उठाकर ले जाने का सवाल ही नहीं उठता। ये तो सरासर झूठा इल्जाम है सर। सुरेश्वर और हेमा में नहीं बनती थी, तुम्हें मालूम है। जी, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं उनके घर एकाध बार ही गया था। हमारी अक्सर मुलाकात काली किंकर की दुकान पर होती थी। हेमा का चाल चलन खराब था। तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में? जी, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि वो लड़की अच्छे घर की नहीं थी। उसका बाप मुझसे कई बार रुपया उधार ले गया, जो कभी नहीं वापस लौटाया। अच्छा, शमशान घाट में एक लकड़ी का टाल है, तुम्हारा ही है ना? 2 शहर में टाल है और 1 शमशान घाट में। अब सच सच सब बताओगे? सच ही तो बता रहा हूँ सर। ये साजिश नहीं थी कि सुरेश्वर अपनी पत्नी का खून करेगा और तब तुम चारों ताश के खिलाड़ी उसे शमशान लेकर जाओगे, जहां जलाने के लिए लकड़ी पहले से तुमने तैयार कर रखी थी? ये क्या कह रहे हैं आप? ये आपसे किसने कह दिया? कल दिन ढलते ही हम काली किंकर की दुकान पर थे और वहीं ताश खेल रहे थे, जैसा कि आपने देखा। नमस्कार साहब। नमस्कार। क्या काम करते हो? यही ठेकेदारी, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर की। आजकल धंधा बहुत नरम चलता है सर, इतने अनाड़ी लोग घुस आए। बताऊं तो सुरेश्वर को कब से जानते हो? यही कोई 4-5 साल से। वो काली किंकर के दुकान में मुलाकात हुई थी, बस ताश खेलने के साथ ही, और कुछ नहीं साहब। मैंने उसे कहा भी। रात कब से ताश खेल रहे थे? मैं कोई 8 बजे आया, शायद 7:45 होंगे। ये लोग पहले से ही खेल रहे थे। सुरेश्वर बाबू ब्लफ बहुत खेलता है। कल पहले ही चाल में सिर्फ बीबी पे अटका सर। 11:30 बजे सुरेश्वर के घर गए। घर? घर कौन गया? तुम बताओ कौन गया? सुरेश्वर अकेला गया, तुम सब लोग गए? हम कहाँ गए थे? हम तो उधर ही खेल रहे थे। आपने आके हमारा खेल बंद किया। तो क्या सुरेश्वर अकेला गया था? सुरेश्वर? नहीं साहब, सुरेश्वर तो वही हमारे साथ खेल रहा था। उसने क्या कहा? वो 11:30 बजे अपने घर गया था। हाँ? तुमने सुरेश्वर की पत्नी को देखा? हाँ? देखा है साहब। ये शर्मा क्या रहे हो? हाँ? बात यह है कि अब आपसे क्या झूठ बोलना। पहली बार जब मुलाकात हुई थी ना, तब उसने मुझे आंख मारी थी। तुम तो ठेकेदार हो, तुम्हारे पास तो काफी बांस होंगे। बांस? बांस, बांस बल्ली तो काफी है सर। बिल्डिंग बनाते वक्त
बांस का खांचा बनाना पड़ता है ना। लाश को ले जाने के लिए भी तो बांस की नसैनी बनती है। नहीं नहीं साहब, हमारी बांस उस काम के लिए नहीं है। लाश की नसैनी तो जला देनी पड़ती है। एक बिल्डिंग का काम हुआ तो हम लोग वही बांस दूसरी बिल्डिंग। बस बस, अब जेल की हवा खाओ तुम। अरे भाई कहाँ जा रहे हैं आप? अरे मैं सुरेश्वर घोष हूँ, ये मेरा मकान है, समझे? लौटो। धन्यवाद वकील बाबू, आपकी वजह से हम सब बेल पर छूट गए। बेफिक्र रहिए आप, पुलिस के केस में कोई दम नहीं है, आप परेशान ना हो। अरे खामखा रात भर परेशान किया, अब तो मैं चादर तान कर सोऊंगा। सुनिए, कल मिलिएगा, ओके? गुड नाइट। गुड नाइट। सर, सुरेश और बाबू सुबह 11 बजे आए थे। कहाँ हैं वो? अंदर हैं, शायद सो रहे हैं। उठिए, 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 उठिए। अब क्या है? हम तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहते हैं। तलाशी? तो लीजिए ना, शौक से लीजिए, लेकिन भगवान के वास्ते मुझे सोने दीजिए। अच्छा, तुम्हारी पत्नी का कल रात खून हो गया है, लाश अभी भी अस्पताल में है और तुम सो रहे हो। भाई सोच रहा हूं कि कल रात भर आपने हमें परेशान किया, और देखिए हेमा की लाश पोस्टमार्टम के लिए गई है। उसकी रिपोर्ट मिलने के बाद ही क्रियाकर्म की तैयारी करेंगे। इधर आओ। तुम दोनों चारों तरफ अच्छी तरह नजर डालो। जी सर। कोई हथियार या खून से सने कपड़े या कुछ भी मिले तो बताना मुझे। ओके सर। जाओ। सुरेश्वर उठो। मुझे तुम्हारी पत्नी के गहने देखने हैं। देख लिए? लाइए, रख देता हूं। इनमें से कौन कौन से गहने हैं जो तुमने नहीं बनवाए? मैंने ये 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 मैंने नहीं बनवाए। ठीक है, इन्हें फिलहाल मैं पुलिस के कब्जे में रख लेता हूं, बाद में वापस कर दूंगा। और कुछ? हमारे आदमी सब देख रहे हैं, तुम चाहो तो सो सकते हो। अरे आइए आइए नीलमणि, आइए बैठिए। पोस्टमार्टम कर लिया। रिपोर्ट कल मिल जाएगी। क्या पता चला? मौत का वक्त क्या था? रात करीब 10 बजे थे। और मौत की वजह? वैसे ऊपर से देखो तो कोई जख्म या वार का निशान नहीं मिलेगा शरीर पे। तो क्या जहर से? नहीं, जहर भी नहीं, बहुत ही कुशल तरीके से मारा है। अच्छा नीलमणि बाबू, वो आपको जिन पे शक है उसमें कोई फौज का आदमी है क्या? नहीं, फौजी तो कोई नहीं है। लेकिन सुरेश्वर, औरत का पति, लड़ाई के दिनों में मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर था और गोरों से अंग्रेजों से उसका मिलना जुलना था। क्यों, क्या बात? क्या वार के निशान औरत के बदन पर बाहर से तो नजर नहीं आते, लेकिन उसके गले की एक खास नली जिसे थायराइड कार्टिलेज कहते हैं, उसे पूरी पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। मतलब गला घोंट कर मारा? नहीं, गला घोंटने से तो चमड़े के ऊपर उंगली को निशान आ जाएंगे ना। और फिर गला घोंट के मारने में तो कोई नई बात है ही नहीं। तो फिर पिछली लड़ाई में सिपाहियों को बिना हथियार के दुश्मनों को मारने का तरीका सिखाते थे। हाँ। मालूम है? नहीं, क्या है? मान लीजिए
जंगल में लड़ाई हो रही है, आप निहत्ते हैं और किसी हथियारों से लैस दुश्मन से आपकी मुठभेड़ हो जाती है। भागने की कोई गुंजाइश नहीं है, और भागने की कोशिश भी आप करें तो दुश्मन आपको गोली मार देगा। ऐसी सूरत में आप किस तरह अपनी हिफाजत करेंगे? आप दुश्मन के दाहिनी तरफ आकर खड़े होंगे और फिर फुर्ती से उसकी तरफ मुड़कर अपने दाहिने हाथ से जोर से वार करेंगे उसके गले पर। बस थायराइड कार्टिलेज टूट जाएगा और फौरन मौत। फौरन मौत? हाँ, गला घोटने से जिसका गला घोट रहे हैं वो लड़ झगड़ कर बचना भी चाहेगा। इस तरह के वार में वो झमेला नहीं है, फौरन मौत। कमाल है, उस औरत की मौत ऐसे ही हुई है, आपको पूरा यकीन है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। मानिएगा आपको परेशान कर रहा हूँ, एक तहकीकात के सिलसिले में आपसे कुछ पूछताछ करनी। बैठिए बैठिए। शुक्रिया, आप पूछिए। लड़ाई के दिनों में आप फौज के बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे, आज भी आपका काफी नाम है। सुरेश्वर घोष को आप जरूर जानते होंगे, वो भी फौज का कॉन्ट्रैक्टर रहा है, इतना बड़ा नहीं लेकिन काफी। जी हाँ, सुरेश्वर घोष को जानता हूँ, वो भी अच्छा काम करता था। हाँ, तो उसका मिलना जुलना किस किस के साथ था? आर्मी सप्लाई के हर ऑफिसर से मिलना जुलना था, जिसका जो काम था। नहीं, मेरा मतलब है ऐसा भी तो हो सकता है ना कि धंधे के अलावा उसका कोई खास किसी उसका लगाव हो या कोई दोस्ती हो। देखिए, हम सब व्यापारी हैं और व्यापार में मतलब तो होता है, व्यापार में दोस्ती मतलब की रहती है। लेकिन ऐसा भी तो होता है ना मोतीलाल बाबू, के कोई अफसर किसी भी वजह से आपको ज्यादा धंधा दे या आपको ज्यादा पसंद करे। हाँ, ये होता है। एक मेजर रॉबर्ट्स था, वो सुरेश्वर पर बहुत मेहरबान था। तब सुना था कि सुरेश्वर अपनी पत्नी को भी मेजर रॉबर्ट्स के यहाँ लेके जाता था। ये मेजर रॉबर्ट्स कितने दिन था यहाँ? ज्यादा दिनों नहीं, उसको एक साल बाद ही इंग्लैंड भेज दिया गया था। क्यों? उसने एक इंग्लैंडी लड़की से शादी की थी, उस लड़की की मौत रहस्यमय तरीके से हो गई थी। कहते हैं कि रॉबर्ट्स ने ही उसको जान से मार दिया था। मगर आप ये सब क्यों पूछते हैं? ये तो बहुत पुरानी बात है। धन्यवाद मोतीलाल बाबू, जो मैं जानना चाहता था तो मुझे पता लग गया। मैं चलता हूं। बैठिए बैठिए, चाय तो पीते जाइए। फिर कब? दरवाजा खुला क्यों है? सुरेश्वर बाबू, चलो अंदर चलते। ये लीजिए सुरेश्वर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इनकी मौत थायराइड कार्टिलेज के टूटने से हुई है, जिस तरह इनकी पत्नी हेमा की मौत हुई थी। कमाल है। जिसे मुजरिम समझ रहे थे खुद ही शिकार हो गया। तो ये केस है। पहले मेरा शक सुरेश्वर पर था, लेकिन जब देखा कि सुरेश्वर की मौत भी उसी तरह हुई है जैसे उसकी पत्नी हेमा की, तो लगा इन दोनों का खूनी एक ही इंसान है। लेकिन उस खूनी को आज तक नहीं पकड़ पाया। क्या बता सकते हैं वो खूनी कौन हो सकता है? चलिए कोशिश करते हैं, लेकिन आपको मेरे चंद सवालों का जवाब देना होगा। जवाब मालूम होंगे तो जरूर देंगे। अच्छा, ये बताइए कि सुरेश्वर का वारिस कौन है? सुरेश्वर ने कोई वसीयत नहीं बनाई थी, उसकी एक चचेरी बहन है वही वारिस बनी। एक गरीब विधवा औरत घर घर काम करके पेट पालती थी, उसी को सब कुछ मिला।
जिस रात सुरेश्वर का खून हुआ था तब उसके तीन दोस्त वो कहाँ थे? करीब रात भर काली किंकर की दुकान में ताश खेलते रहे। मैंने अपने गुप्तचर लगाए थे उनके पीछे और उनकी गतिविधियों से जो पता चलता है उनमें से कोई खूनी नहीं हो सकता। अच्छा, जिस समय सुरेश्वर का खून हुआ था तब उसका ससुर, क्या नाम है, दीनमणि हलदार, वो कहाँ था, उसका पता लगाया आपने? पता लगाया था, वो उस वक्त कोई 50 मील दूर एक गांव में था और पेशेश की वजह से खाट पकड़े हुए था, कहीं आने जाने लायक नहीं था। और फिर जिस तरह से इन दोनों का खून हुआ है ऐसा कौशल वो कैसे जान सकता है? एक बात बताइए, आपको क्या लगता है, हेमा का चरित्र खराब था? नहीं, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो अच्छे स्वभाव की लड़की थी, खराब नहीं थी। लेकिन उसका खून तो गंदा था। उसकी मां, क्या नाम था उसकी मां का? अमला। और कुछ जानना चाहते हैं? और कुछ जानने की जरूरत नहीं। कुछ समझ में आया? समझने के लिए और कुछ बाकी नहीं। सब समझ गए? जी। हेमा का खून किसने किया समझ गए? समझूंगा क्यों नहीं, हेमा का खून किया उसके पति सुरेश्वर ने। ये बात है। अच्छा, सुरेश्वर को किसने मारा? सुरेश्वर को मारा हेमा के बाप ने। हेमा के बाप ने? दीनमणि हालदार तो उस वक्त 50 मील दूर गांव में थे। ना 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 ना, ना। मैं दीनमणि हालदार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हेमा के बाप की बात कर रहा हूं, हेमा को जन्म देने वाला पिता। जन्म देने वाला पिता? आप किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं ये तो आपको मालूम है नीलमणि बाबू, आप मुझे ये कहानी ना सुनाते तो अच्छा रहता। ब्योमकेश बाबू, खाना तैयार है, आप अपने हाथ मुंह धो लीजिए। नीलमणि बाबू, आप यहीं खा कर जाइए। नहीं नहीं, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है, कुछ काम है। बस 5 मिनट में आते हैं वीरेन बाबू। अच्छा अच्छा। मामला क्या है, नीलमणि बाबू भाग क्यों गए? नीलमणि बाबू की बातों से पता लगा कि वो हेमा की तरफदारी कुछ जरूरत से ज्यादा ही कर रहे थे। हेमा का चरित्र, चाल चलन, इसके जो सबूत देखे, हम ये नहीं कह सकते कि वो पतिव्रता या सती सावित्री थी। जिस तरह वो लोगों से हंसती बोलती थी, तू तड़ाक करती थी, रात रात को अजनबियों से मिलती थी, और फिर उसका पति भी उस पर शक करता था। लेकिन नीलमणि बाबू उसकी तरफदारी किए जा रहे थे। हेमा की माँ अमला भी कोई सीता या सावित्री नहीं थी, बाप भी उसका अक्सर जेल में रहता था। मुझे लगता है कि असल में हेमा अमला के उस जेल जाने वाली पति की बेटी नहीं थी। क्या? उसका बाप कौन है सोचो। अब मुझे नीलमणि बाबू की बातों से पता चला कि जब उन्होंने पुलिस में नौकरी शुरू की थी तो उनकी पोस्टिंग यहां हुई थी। दीनमणि हलदार तो पेशेवर चोर था। हो सकता है कि नीलमणि बाबू भी अक्सर उसे पकड़ने के चक्कर में या उसके घर की तलाशी लेने के लिए उसके घर जाते होंगे। उस वक्त तो नीलमणि भी जवान था, चंचल अमला के मोजाल में फंस गया, और जब दीनमणि बाबू जेल की हवा खा रहे थे तो ये दोनों मिलकर इनके संबंध कुछ कुछ करीब, समझ रहे हो ना? हाँ। फिर 2 साल के बाद नीलमणि बाबू का तबादला हो गया। शहर छोड़ने से पहले उन्हें पता लगा कि उनके यहाँ लड़की हुई है, लड़की का नाम हेमा है। लेकिन दूर रहते हुए भी दोनों की खोज खबर रखते थे। नीलमणि बाबू ने शादी तो कभी की नहीं, इस दुनिया में केवल एक हेमा ही उनकी खून के रिश्तेदार थी। बस फिर पुलिस के आखिरी दिनों में वो यहीं इस शहर में वापस आ गए। तब तक हेमा की माँ चल बसी थी, हेमा ने शादी कर ली थी। और तुम्हें तो मालूम है नीलमणि बाबू की आदत थी कि आधी रात को साइकिल पर चढ़कर शहर का गश्त लगाते थे, फिर अक्सर हेमा से मिलते भी थे और उपहार के तौर पर उसे छोटे मोटे गहने भी दे जाते। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि उन्होंने अपना असली परिचय हेमा को दिया था या नहीं। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि हेमा सब कुछ जानती थी। जिस रात को
सुरेश्वर ने हेमा का खून किया, नीलमणि बाबू उसे मिलने जा रहे थे और मुझे पूरा यकीन है कि सुरेश्वर बाबू भी उस रात ताश खेलते समय उठकर अपने घर वापस आए। इस दिल से मुझे माफ करो, मैं अभी आता हूँ। अरे खेलो ना यार। हे, कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ यार, घर। क्यों? एक काम याद आ गया। काली, मैं फिर लौट कर आता हूँ, दरवाजा खुला रखना। हुँ? जीत के पैसे घर रखने जा रहा है। आ जाओ, दरवाजा खुला है। जुबान का पक्का है, वापस आ गया। बैठ बैठ, चल इसको भी बांटो। अभी काटो। देखो, तुम तीनों मेरे दोस्त हो ना? हाँ। तो मेरी मदद करो। क्या हुआ? मैंने अपनी बीवी का खून कर दिया। क्या? हाँ, मैंने अपनी बीवी का खून कर दिया। लेकिन क्यों? वो एक बच्चलन औरत थी। सुनो, ये अंधेरी रात है, चलो चल कर उसे कहीं फेंक आती है, या कब्रिस्तान में या मरघट में उसे जलाते हैं। चलो। लेकिन यार, ये अपनी दोस्ती का सवाल है, प्लीज चलो मेरे साथ। अरे अरे, सोच कह रहे हो, चलो मेरे साथ। तो ऐसा करते हैं, हेमा को जला के आते हैं, फिर यहीं खेलने बैठ जाएंगे। हाँ, और कल अफवाह फैला देंगे कि हेमा किसी के साथ भाग गई। क्यों, ठीक है ना? हाँ, चलो 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 चलो। एक एक करके नीलमणि बाबू ने चारों दोस्तों से पूछताछ की, लेकिन वो सब दिखावा था बस। फिर उन्होंने फैसला कर लिया कि वो अपने बेटी के हथियारे से खुद ही बदला लेंगे। 24 घंटों के अंदर ही उन्होंने सुरेश्वर का खून कर दिया। हाँ, लेकिन नीलमणि बाबू ही हेमा के पिता हैं, ये बात इतने दावे से कैसे कह सकते हो? कह सकता हूँ। इसके लिए मैंने एक चाल चली। यकायक मैंने नीलमणि बाबू से हेमा की माँ का नाम पूछ लिया, लेकिन उसका खून तो गंदा था। उसकी माँ, क्या नाम था उसकी माँ का? अमला। उन्होंने बिना सोचे समझे ही कहा अमला। वो हेमा की माँ का नाम कैसे जानते थे? उसे तो मरे 10-12 साल हुए, और फिर कहीं भी हमने हेमा की माँ का जिक्र तो किया नहीं था, इसीलिए उन्हें हेमा की माँ का नाम कैसे पता चला? बस फिर कोई शक नहीं रहा। मेरे सामने हेमा की माँ का नाम बताते बताते ही वो समझ गए कि कुछ गलती कर बैठे, और बस उनकी शक्ल देखते ही मैं समझ गया कि मेरी चाल सफल रही। लेकिन नीलमणि बाबू को नेहते फौजों के वार करने की कला के बारे में कैसे पता चला? ये कला उन्होंने सिविल सर्जन मेजर बर्मन के बयान से सीखी। समझे? अब सोचो मत, खाना ठंडा हो रहा है, मुझे भूख लगी। चलो चलो, चलो।